दूं। ऐसे ये फ्रेम इधर से यहाँ से इधर से काफ़ी जगह से टूट गया। कितने पंचर हैं उस्ताद? एक का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे तोते रखे हुए हैं यहाँ पे। ये सुबह सुबह धूप छूप के चक्कर में इनको ऊपर लेके आना पड़ता है, फिर नीचे चले जाते हैं। एक इसमें है और एक उधर है। इनको अलग-अलग इसलिए रखा हुआ है, ये लड़ने लग गए थे आपस में, काफ़ी टाइम से इकट्ठे थे। तो अभी फ्रेंड्स हमें सबसे पहले जाना है मार्केट। मार्केट जाके हमने दो चार काम करने हैं, वो मैं आप लोगों को अभी नहीं बताता, क्योंकि जब भी मैं अपनी वीडियो में अपना कोई भी काम बताता हूँ पहले तो वो काम मेरा कैंसिल हो जाता है, तो वीडियो मैं उसकी नहीं बना सकता। तो फिर फ़ायदा ही नहीं है आप लोगों को बताने का, आप लोगों को दिखाने का फ़ायदा है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि मैंने मार्केट में क्या काम करने हैं। मैंने सिर्फ दो काम करने हैं, वो दोनों काम करने के बाद फिर मैं घर आऊँगा, फिर घर के भी एक आधा काम करना है, घर वालों को नादरा लेके जाना है। तो अभी निकलते हैं मार्केट के लिए। तो मार्केट में हमने जाके जो जो काम करने हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं सारा दिन वेला होता हूँ, तो अभी मैंने मार्केट जाना था तो अबू आ गए। अबू कहते हैं कि दुकानदार हैं मार्केट में, उनके मेरे ख्याल से बेटे की किसी की शादी है तो उनका वलीमा अटेंड करो, वलीमा अटेंड करने के बाद मार्केट जाना और बाकी सारे काम वगैरह जो होंगे वो हम वलीमा अटेंड करने के बाद करेंगे। तो अभी वलीमे की तरफ चलते हैं, पहले मैं दुकान पर जाता हूँ, दुकान के बाद मैं वलीमे पर जाऊँगा, वलीमे के बाद फिर हम मार्केट जाएँगे। तो वेलकम बैक गाइज, मैं घर अपने आ चुका हूँ। खाना छाना खाने के बाद इस तरफ से मैं हो गया हूँ फुल, और अब मैंने अपनी गाड़ी का थोड़ा सा जो काम शाम करवाना है वो करवाएंगे मार्केट जाके। तो ये दोस्तों यहाँ से ना कल मैं इसको फैक्ट्री से वापस ले कर आया हूँ, तो इसका पीछे से फ्रेम टूट गया था तो वो भी वेल्डिंग शेल्डिंग करवाएंगे। ये मैं आपको दिखा दूँ, ऐसे ये फ्रेम इधर से यहाँ से इधर से काफ़ी जगह से टूट गया, तो इसको जा कर रिपेयर करवाएँगे, वेल्ड करवाएँगे। तो पंक्चर सेंचर मैंने गाड़ी का वैसे लगवाना है तो ये भी साथ में ही करवाएँगे। तो गाइस बड़ी नाजुक सूरत हाल है, मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी है और मेरा जो चार्जर है वो भी ख़राब हो चुका है। तो अभी मार्केट जा रहा हूँ, पता नहीं मोबाइल साथ देगा कि नहीं, 7% बैटरी है तो पहले मैं चार्ज करने की कोशिश करता हूँ। तो फाइनली गाइस इस वक्त मैं वर्कशॉप पर पहुँच चुका हूँ, तो अभी गाड़ी लगी हुई है लेकिन काशी भाई यहाँ पर मौजूद नहीं है। जैसे ही वो आते हैं गाड़ी शाड़ी का काम करवा के फाइनल करके फिर घर जाएँगे। इस वक्त हम अपनी गाड़ी का पंचर लगवाएँगे। ये इरफान भाई नमाज़ पढ़ने गए हैं, ये उनके शागिर्द हैं, और वकास को मैंने साथ उठाया था अपने, वकास और एक और लड़का है हमारी गली का, वो हमारे साथ आ गया था। पत्रेर पंचर ला गए इनसे तू? आप चल ठीक है। कितने पंचर हैं उस्ताद? एक का। बड़ा पंचर है छोटा है? उक्का हवा ओके कड़े अंदर। तो गाइस जिस जगह से हम पंचर लगवा रहे थे तो बैक साइड पे ही बहुत खूबसूरत एक नर्सरी है, मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं। क्या कमाल, ज़बरदस्त। और वो सामने 1122 ऑफिस। तो भाई इस्लामाबाद बन चुका है हमारा शहर, कितना पहले यहाँ पे रोड देखने के काबिल भी नहीं थे। तो गाइज इरफान भाई नमाज़ पढ़ के वापस आ गए हैं, तो अभी ये हमारी जो गाड़ी का टायर है उसका पंक्चर वगैरह लगा रहे हैं। फाइनली गाइज इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपनी घर की छत पर, और मैंने गाड़ी का पंक्चर वगैरह लगवा लिया है, लेकिन मैं उसका जो मिसिंग वगैरह का मसला था, फ्यूल पंप का मसला था, वो नहीं करवा सका। जैसे कि आपने देखा काशी भाई की मैं दुकान पर गया, लेकिन वो मसरूफ़ इतने ज़्यादा थे, दो तीन गाड़ियाँ खड़ी थी जिनका बहुत ज़्यादा काम करना था उन्होंने, तो वो कह रहे हैं कि सुबह मेरे पास कोई गाड़ी नहीं होगी तो आप सुबह आ जाना, सुबह तसल्ली से इसको देखेंगे। और फिर पंचर शंक्चर लगवाने के बाद मैं घर वापस आ गया था, तो ना उसका मैं वेल्डिंग का काम करवा सका। वेल्डिंग का काम करवाने में गया था लेकिन वो भी बिज़ी था, लेकिन फिर मैंने कहा किसी और बंदे से करवाऊंगा तो तसल्ली से सारा उसका काम ज़्यादा करवाना पड़ेगा मुझे, तो वो फिर ज़्यादा काम तसल्ली वाले बंदे से ही करवाना चाहिए। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि मगरिब का टाइम है, मगरिब की अजानें मिल रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।